जो साधक सिद्धि मार्ग में चल रहे हैं, साधना करते हैं, भले ही उनके पास सिद्धियां हों या फिर सिद्धियां ना हों, लेकिन हर साधक जो साधना मार्ग में चल रहा होता है या फिर सिद्धि मार्ग में चल रहा होता है, उसे एक भरोसेमंद सिद्ध गुरु की शरण में होना अनिवार्य होता है जिनके पास ऑलरेडी सिद्धियां हों। तो सिद्धि प्राप्त करने के लिए या फिर संकट को दूर करने के लिए या फिर अपनी सिद्धियों का, शक्तियों का या फिर पितरों के बंधन को खोलने के लिए मैंने बहुत पहले सिद्धि मार्ग के लिए एक लॉयल गुरु के विषय में 2-4 वीडियोज बनाए थे, लेकिन वीडियोज बनाने के बाद भी लोग दोबारा से मुझे किसी अन्य वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि सिद्धि मार्ग के लिए कोई सिद्ध गुरु अगर आपको पता हो तो हमें जरूर बताएं। तो इस वजह से मुझे दोबारा से ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अगर आप सिद्धि मार्ग में चल रहे हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो सभी समस्याओं का निशुल्क समाधान एक पर्टिकुलर स्थान पर होता है। और जिन गुरुजी के बारे में, सिद्धि मार्ग के विषय में मैंने 4-5 या फिर ये वाला वीडियो बनाया है, माता पराशक्ति के साथ साथ गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि भी उन सिद्ध गुरु के पास है। उन गुरु की शरण में अगर आप जाते हैं तो आपको कहीं से कहीं तक धोखा नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। और हमारे इस भारत में बहुत स्थानों पर उन गुरु के शिष्यों द्वारा लाइव दरबार चलाए जाते हैं। आप उन गुरु को कोई मामूली गुरु समझने की गलती ना करें। लेकिन हाँ, जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोज में बोलता हूँ, अगर आपके पास सिद्धि नहीं है तो आपको उन गुरु की शरण में जाने के बाद सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएंगी, आपको गुरु भी प्राप्त हो जाएंगे, आपको गुरु कृपा भी प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद आप साधना भी कर पाएंगे। तो आपको इन लाइनों को ऐसे नहीं लेना है कि कोई भी ऐरा गैरा इंसान धाम पर जाकर सिद्धियां प्राप्त कर लेगा या फिर अपने ऊपर कृपा प्राप्त कर लेगा। यहाँ पर मैं खुरापाती किस्म के इंसान के या फिर चालू प्रवृत्ति के जो साधक होते हैं, जो शक्तियों को भी आजमाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। पात्रता अगर आप में होगी तो आपको उस धाम की शरण में जाने के बाद या फिर उन गुरु की शरण में जाने के बाद सिद्धियां भी प्राप्त हो जाएंगी। आपके साथ जो भी समस्याएं चल रही हैं वो भी समस्याएं आपकी पूर्ण रूप से दूर हो जाएंगी, और इस बात की गारंटी भी मैं आपको देता हूं, क्योंकि सिद्धि मार्ग में वो मेरे भी गुरु हैं और मेरे चैनल पर मैं वही अनुभव या फिर वही एक्सपीरियंस शेयर करता हूं जिनसे होकर मैं गुजर चुका होता हूं। तो धोखा मिलने का सवाल तो बिल्कुल भी पैदा नहीं होता। लेकिन खुराफाती किस्म के इंसान जो होते हैं, चालू प्रवृत्ति के इंसान जो होते हैं, जो ये सोच रखते हैं कि मुझे ऐसे करके या फिर ऐसे करके कुछ भी करके उन गुरु का पता ठिकाना अगर पता लग जाए तो मुझे डायरेक्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, तो चालू प्रवृत्ति के या फिर खुराफाती किस्म के जो साधक होते हैं, जो पतली गली से निकलकर अपने काम को पूरा करवाने की मंशा रखते हैं, उन्हें उस धाम पर जाकर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, इस बात की गारंटी भी मैं आपको देता हूं। और जो भी नए लोग आजकल इस चैनल से जुड़े हैं और उन्हें सिद्धि मार्ग के लिए एक सिद्धि और श्रेष्ठ गुरु की तलाश है, वो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, मैं एक मोबाइल नंबर दे दूंगा, उस पर आपको मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करना है। आपको कॉल या फिर नॉर्मल टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। 501 या फिर 1001 की पेमेंट करने के बाद आपको मुझे उसी नंबर से व्हाट्सएप करना है। उसके बाद मैं आपको उन श्रेष्ठ एंड सिद्ध गुरुजी के बारे में A to Z डिटेल बता दूंगा। लेकिन मैं 501 या फिर 1001 रुपीज का चार्ज क्यों रख रहा हूँ? मैं इसी वजह से रख रहा हूँ क्योंकि जो चालू किस्म के इंसान होते हैं, जो खुरापाती किस्म के इंसान होते हैं या फिर बाहरी तत्वों से जिन्होंने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करके अपने अंतकरण को पूरा भर रखा होता है, उसके बाद उनके अंतकरण में कोई दिव्य चीज एक्सेप्ट करने के ये जगह ही नहीं होती है, इस तरह के लोग उस धाम पर या फिर उन गुरुजी के संपर्क में ना आए, इस वजह से ही मैं 501 या फिर 1001 रुपीज का चार्ज रख रहा हूं। हालांकि जो सच्चे साधक हैं या फिर जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, वो भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनसे मैं किसी भी तरह का कोई भी चार्ज नहीं लूंगा। और ये जो भी चार्ज है ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, इसमें धाम का या फिर मेरे गुरुजी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और अगर आपको उन गुरुजी से या फिर माता पराशक्ति से या फिर उस धाम पर जाकर मेरी शिकायत करनी है तो आप शौक से कर सकते हैं, क्योंकि ओनली माता पराशक्ति को मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पता है, वो मेरी ओरिजिनल सिचुएशन जानती हैं। और हाँ, अगर आप एक लॉयल साधक हैं तो सिद्धि मार्ग के विषय में मैंने 4-5 जो वीडियो बनाए हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। आपको वो सभी वीडियोज टाइम निकाल कर देखने हैं, क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने के बाद या फिर गुरु कृपा प्राप्त करने के बाद भी कुछ जो शिष्य होते हैं या जो साधक होते हैं कुछ गलतियां कर लेते हैं, जिस वजह से उनकी सिद्धियां छिन जाती हैं या फिर कोई अन्य तरह की सिचुएशन उनके साथ आ जाती है। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर किसी अन्य वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID और कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश।
जय मां पराशक्ति। हेलो हेलो हेलो, नीड टू चेक रेंज ऑफ दिस वायरलेस माइक। 100 मीटर की इसकी रेंज है, देखता हूँ यहाँ पर मेरी आवाज़ आ रही है नहीं। जहाँ पर मेरी आवाज़ आना बंद हो जाएगी तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेंज है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर यहाँ पर भी इसकी वॉइस कवर हो रही है तो फिर ये बहुत अच्छा माइक मेरे लिए रहेगा। शायद बहुत कॉस्टली भी है थोड़ा ये। अगर ये सक्सेस हो जाता है, जितना भी डिस्टर्बेंस मुझे आता है, गाड़ियों की जो आवाज़ें आती हैं, उसके बाद फिर मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, फिर मैं गाड़ियों को लात मारने वाले वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं मुझे। मैं कुछ बोल रहा होता हूँ और उसी बीच कोई गाड़ी का हॉर्न बजा देता है तो मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वास्तव में आई एम नॉट अ क्रिएटर, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, जो बहुत सारे अपने वीडियोज़ में बोलता भी हूँ कि इस तरह के वीडियोज़ बनाने की वजह से मुझे बहुत बड़ा लॉस होता है, क्योंकि मुझे एक तरह से फिजिकल वर्ल्ड से या फिर इस पब्लिक से बात ही तो करनी है, इंटरेक्शन तो करना पड़ रहा है मुझे। और मुझे सबसे ज़्यादा इस फिजिकल वर्ल्ड में या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज़ पसंद है तो वो ये पसंद है मुझे, 0, 0 पसंद है मुझे।